नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जुलाई शुक्रवार दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। हनुमानगढ़ जिले के कातिलाना आर्म्स एक्ट का एक आरोपित कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि 3 दिन तक वह पुलिस के पास हिरासत में भी रहा। अब कम से कम 8 पुलिस कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया है और उनका आज सैंपल जांच के लिए भिजवाए जाएंगे। थानाधिकारी सुरेश मिल का कहना है कि 2 जुलाई की रात 10 बजे उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनका यह भी कहना है कि जमानत मिलने के बाद उसको रिहा कर दिया गया था। हनुमानगढ़ जिले का नोहर क्षेत्र हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कल प्रातः 3 रोगी मिले हैं और शाम को भी 2 नए रोगी सामने आए हैं। इस तरह से एक ही दिन में नोहर में 5 मरीज मिले हैं। इसके अतिरिक्त संगरिया भी अब कोरोना से अछूता नहीं रहा है, वहां भी उसके कदम पड़ गए हैं। संगरिया में 3 रोगी एक साथ सामने आए हैं, इनमें 2 की तेलंगाना और 1 की दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। जंक्शन में भी नया मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आने के बाद से विनोबा बस्ती, एन ब्लॉक और पुरानी आबादी में बनाए गए रेड कंटेनमेंट जोन में पुलिस पहरा शुक्रवार को भी जारी रहा। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को 5 नए कोरोना रोगी सामने आए थे। इन रोगियों के सामने आने के उपरांत पुरानी आबादी, एन ब्लॉक व विनोबा बस्ती में कंटेनमेंट जोन बना दिए गए थे। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात को आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। श्रीगंगानगर के नए कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा होंगे। वे फिलहाल वन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। वहीं श्रीगंगानगर जिला के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते को भीलवाड़ा भेज दिया गया है। वहीं श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भीलवाड़ा SDM टीना डाबी खान को लगाया गया है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे में एक बंद मकान से चोरी हो गई। अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर मकान से हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। यह मकान 2 से 3 दिनों से बंद था। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि देवेंद्र सिंह निवासी 8P ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि अलमारी में रखे 17,000 रुपए, सोने चांदी के जेवरात तथा 2 मोबाइल फोन गायब मिले। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर से किताबें खरीदने का कहकर गई एक लड़की संदिग्ध हालत में लापता हो गई है। इस लड़की का कहीं भी पता नहीं चलने पर इसके भाई ने श्री विजयनगर थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस इस लड़की को बरामद करने का प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी विक्रम तिवारी ने बताया कि निकटवर्ती एक गाँव निवासी युवक ने दर्ज करवाई गुमशुदगी में बताया कि 21 वर्षीय इसकी बहन अनीता 1 जुलाई को घर पर सूरतगढ़ से किताबें खरीदने का कहकर गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना में ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दंपति के दामाद को भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वही दंपति से मोबाइल फोन के बाद करीब 8,000 रुपये भी बरामद हो गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि रायसियानगर के निवासी सोनू धोबी और उसकी पत्नी जसवीर कौर को गिरफ्तार करने के बाद कल उसके नाबालिग लड़के को भी पकड़ लिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दंपति के दामाद सतपाल सिंह को पकड़ने के लिए शिवपुरी गाँव में छापेमारी की गई थी। इसको पुलिस आने के पहले ही भनक लग जाने के कारण वह फरार हो गया। हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर आज सुबह एक ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में चालक राकेश कुमार जाट निवासी कुलसासर ट्रैक्टर के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रावतसर के ट्रोमा सेंटर में लाया गया। वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पल्लू थाना में पुलिस ने मर्ग दर्ज कर ली है। श्रीगंगानगर जिले के खमूड़वाली थाना क्षेत्र में एक युवक करंट से बुरी तरह झुलस गया। उसको गंभीर हालत में पदमपुर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिडमलसर चौकी प्रभारी ASI गुल्लाराम ने बताया कि 49 RB निवासी हरमनप्रीत सिंह नामक युवक की झुलसने से मौत हो गई। वह आज सुबह करीब 7 बजे खेत गया था। उसी दौरान खेत में लगे ट्रांसफार्मर के पास एक तार में करंट आ गया और उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले के घरसाना थाना क्षेत्र में बीती रात को एक ट्रैक्टर और ट्रक की आमने सामने भिड़त हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि इंद्राज निवासी रोजड़ी की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर लेकर अपने गाँव की ओर जा रहा था। जालवाली गाँव के पास पहुंचा तो ट्रैक्टर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शहर में गंदे पानी के नाले जगह जगह खुले पड़े रहने के कारण आए दिन ही सड़क हादसे होते रहते हैं।
काफी दिनों से नालों की नगर परिषद द्वारा ब्लॉक एरिया में सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आधे शाम कोठी रोड स्थित उधम सिंह चौक के पास आज सुबह नाले में एक युवक बाइक सहित गिर गया। आज आसपास के दुकानदारों ने उसको गिरता देख लिया, इस कारण वह दुकानदार सहित आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने इस युवक को तुरंत ही निकाल लिया। इस हादसे की सूचना मिलते ही बस स्टैंड चौकी पुलिस और एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुँच गई। श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर कस्बे में आज सुबह एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर फांसी के लगाने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सादुलशहर निवासी 20 वर्षीय आनंद कुमार नामक युवक ने फांसी लगा ली। इसके भाई शिव प्रकाश ने मर्ग दर्ज करवाई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।